1942 के पहले स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गई थी। मनीषा फिरे से मिला रोल। मनीषा कोई इराला 16 अगस्त 1970 को जन्मी थी। मनीषा वैसे तो नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वे अपनी दादी के साथ वाराणसी में पली पड़ी हैं। इसके बाद वे दिल्ली बस गई। मनीषा का सपना था कि वे डॉक्टर बने। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक ट्रेस बनेंगी, लेकिन उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ हो गया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्म 1942 के लिए जब मनीषा ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो पहले उन्हें विधु विनोद चोपड़ा ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब उन्होंने चोपड़ा से रिक्वेस्ट की तो उन्हें दूसरा मौका मिला। इस बार वे सिलेक्ट होगी। इस फिल्म ने मनीषा को खासी पहचान दिलाई। जब मनीषा का रुझान फिल्मों की ओर हुआ और उन्होंने कई फिल्में कर ली तो उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने का फैसला लिया। मनीषा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया। 2012 में मनीषा ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हो गई थीं। लंबे समय तक विदेश में उनका इलाज चला। अपने मजबूत इरादों से मनीषा ने इस बीमारी को मात दे दी। अब मनीषा कई संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में होने वाले सेमिनार में अपने अनुभव शेयर कर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करती हैं। मनीषा 2004 में फिल्म पैसा वसूल प्रोड्यूस कर चुकी हैं। हिंदी के अलावा मनीषा ने नेपाली फिल्में भी की हैं। उन्हें फिल्म खामोशी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था।